हे डियर, मैं हूं मयंक पांडे, आप देख रहे हैं फ्रीकी मयंक। और यार आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं बोट की न्यू लॉन्च होने जा रही बोल्ट स्ट्राइकर प्रो को। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसके फीचर्स के बारे में, कैसे बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है, क्या लुक्स आपको मिलने वाले हैं, कैसा इनबॉक्स कॉन्टेंट मिलने वाला है, और शायद इसको पटक के भी देखने वाले हैं, मतलब ड्रॉप टेस्ट करेंगे और इसको पानी में भी डाल के देखने वाले हैं कि इसकी IP67 रेटिंग कैसी विधि स्टैंड करती है हमारे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स चेक इट आउट। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि स्ट्राइकर प्रो में जो है आपको 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो 750 निट्स बताई जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है जब आप डायरेक्ट सनलाइट में जो है देखने वाले हैं स्क्रीन को। और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, तो आपको जो है 5 से 6 दिन की बैटरी लाइफ इस पर मिलने वाली है। इसमें AOD का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, इसमें कॉलिंग का फीचर है, कैलकुलेटर जैसे और भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। IP67 जो है ये सर्टिफाइड है, मीन्स आप इसको 30 मीटर तक 1 मीटर की पानी की डेप्थ में रख सकते हैं। हालांकि बोल्ट जो है ये एडवाइस नहीं करता कि आप इसको स्विमिंग में लेके जाएं, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको लेके भी जाना चाहिए, क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है तो इसमें कोरोजन लग सकता है। बाकी अगर बात की जाए तो इसमें आपको रोटेटिंग जो है वो क्राउन मिल जाता है, जो कि वर्क करता है मेन्यू के साथ में और इसके वॉच फेसेस के साथ में। 150 प्लस इसमें आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं, जो कि आपको वेब के थ्रू, इसके ऐप के थ्रू मिल जाएंगे वॉच पे लगाने के लिए। कस्टम वॉच फेस का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है और स्ट्राइकर प्रो में ना आपको 100 प्लस जो है स्पोर्ट्स मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलो फटाक से इसको जो है एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं, इनबॉक्स कंटेंट देख लेते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है आपको स्ट्राइकर प्रो का बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आगे स्ट्राइकर प्रो बनी रहेगी, पीछे जो है यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी आपको देखने के लिए मिल जाती है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, वर्किंग क्राउन यहाँ पे दे रखा है, IP67 ये सर्टिफाइड है, एंड हेल्थ मॉनिटरिंग मिल जाती है, और प्लस 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि AOD वगैरह सारा कुछ सपोर्ट करता है। तो इसको फटाक से खोल लेते हैं, है ना, और दर्शन कर लेते हैं वॉच के, है ना, कैसी दिखने वाली है। तो भाई साहब इधर से एक लगा दिया है कट, और ये आ जाती है आपकी वॉच। तो बॉक्स में भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने बना रखा है, वॉच फेस जो है आपको चमकदार यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी जो है मैट फिनिश में है बॉक्स इनका, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, बट उससे तो क्या ही आपको फ़र्क पड़ता है। और आराम से जो है वॉच बाहर आ जाती है, यार भारी है, मेटेलिक डिज़ाइन है यहाँ पे, तो इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ किताबी ज्ञान दे दिया जाता है, ठीक है ना, स्कैन एंड सिक्योर करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि कैसे आप जो है इसकी वारंटी वगैरह रजिस्टर करा सकते हैं, और आप यहाँ पे 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वारंटी भी पा सकते हैं अगर आप इसके थ्रू रजिस्टर करा रहे हैं अपनी वॉच को बोल्ट की वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपको पुस्तक मिल जाएगी पढ़ने के लिए कि कैसे जो है आपकी वॉच जो है चलने वाली है, क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, तो इनकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुल रिव्यू में अगर आप लोग कहोगे तो मैं सारा कुछ कवर कर दूँगा, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे आ जाती है वॉच इटसेल्फ, कुछ इस तरीके से आपको जो है रखी हुई मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह दे रखी है, स्ट्रैप के ऊपर आप देख सकते हैं, बकल के ऊपर आप देख सकते हैं कि कहीं से भी घिस ना जाए, कोरोजन ना लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जो कि ऊपर नीचे नाच रहा है, डिस्को भांगड़ा ज़्यादा करना पसंद होगा इसको, ठीक है। फिलहाल और एसेसरीज बॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो क्वाइट अ बिट इन्होंने जो है अभी बॉक्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया है। एसेसरी बॉक्स काफ़ी बड़ा हो गया है, पहले थोड़ा अलग सा रहता था, और ये कुछ इस तरीके से फोम यहाँ पे आ जाती है। अंदर अगर हम चले जाते हैं तो आई होप सो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जर मिल जाएगा। यस, दिस इज़ अ मैग्नेटिक चार्जर विथ 4 पिन्स। सो इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है ना, अगर मेरी वॉच चार्ज नहीं होगी तो मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि आपको जो है अगर वॉच चार्ज नहीं मिलती है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं पहले, एज़ आपके मैनुअल में भी यही लिखा होगा कि आप चार्ज करिए पहले, फिर उसके बाद यूज़ करिए। तो अभी ये कर लेते हैं, यहाँ सबसे पहले इसको प्रोटेक्टर जो है इसका निकाल लेते हैं। तो पीछे जो है यहाँ पे आपको रिबन मिल जाएगा, रिबन नहीं, प्रोटेक्टर का ही कुछ पार्ट, इसको ऐसे खींच लेना है, और इस तरीके से जो है आपका कुछ प्रोटेक्शन फिल्म उतर के साइड हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.3 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे जो आपको है कोई भी क्लियर या फ्लेयर नहीं देखने को मिल रहा है अंदर डिस्प्ले से, तो ये प्रूव करता है कि डिस्प्ले जो है एमोलेड होने वाली है। एंड जो साइड के ये है ना यार, इसको भी उतार ही देते हैं, मतलब क्या ही है इसका, तो काफ़ी कर रहे से इन्होंने पैक कर रखा है, ठीक है ना, थोड़ी मेहनत जाएगी आपको उतारने में, बट यहाँ पे जो क्वालिटी इन्होंने मेंटेन करी है दैट इज़ क्वाइट गुड, और मतलब आपको अमेजिंग लगेगा जब आप इसको उतार रहे होगे, खोल रहे होगे, मतलब आपको लगता है हाँ यार कोई प्रोडक्ट आया था, इसमें जो है लिटरली अनबॉक्सिंग करने की ज़रूरत पड़ी आपको, ठीक है। तो फटाक से यार उतार लेता हूँ। तो यार ये स्ट्रैप के कवर ने तो यार काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे
मशक्कत करा ली, ठीक है। तो और आप देख सकते हैं ना यहाँ पे काफ़ी जो है आपको कूल लुक में जो है ये ब्रश्ड मेटालिक जो है आपको स्ट्रैप मिल जाता है, यहाँ पे मेटालिक स्ट्रैप है, पीछे आपको बकल पे बोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड जो है ये काफ़ी अच्छा जो है मतलब मैच करता है। और यहाँ पे जो आपका ये वॉच है ये भी जिंक एलॉय के फ्रेम में आती है। पीछे का पार्ट जो है ये प्लास्टिक में मिल जाता है, यहाँ पे कुछ बोल्ट की डिटेल्स लिखी हुई है और यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ है। वाओ दैट्स ग्रेट, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टर लगा होगा, बट हाँ तो यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है जो कि ओह इसको घिसने से बचाता है। और यहाँ पे अगेन एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है जो कि आपके हार्ट रेट लेंस को बचाने के लिए लगा हुआ है, तो इनको भी आपको जो है आराम से छुटा लेना है ताकि आपकी जो हार्ट रेट वगैरह की रीडिंग्स है वो अच्छे से आपकी वॉच जो है ले सके, ठीक है। तो अभी तो हो गई यार बात इस सब की, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं फटाक से इसको ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है हमें। तो 3 2 1 तो 5 सेकंड तक जो है आपको इसको ऐसे दबा के रखना होगा, ठीक है। आई होप कि यार वॉच जो है मेरी चार्ज हो, या चार्जर वाइब्रेट कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे ओ वाओ दैट्स कूल, तो काफ़ी कूल सा जो है बोल्ट का लोगो आ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट आपको देखने के लिए मिलती है स्क्रीन, क्योंकि जो इसकी ब्राइटनेस है वो 750 निट्स है। तो मैं चला जाता हूँ ब्राइटनेस में और इसको लोअर डाउन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लोअर हो जाती है। मतलब आप रात में भी अगर अपनी घड़ी यूज़ करना चाहते हो तो बड़े आराम से कर सकते हैं। जो हमारे सैमसंग वगैरह फ़ोन आते हैं ना उसमें एक्स्ट्रा डिम का भी एक ऑप्शन आता है, तो उस तरीके का कुछ यहाँ पे जो आपको ब्राइटनेस है वो देखने के लिए मिल जाती है। और क्योंकि यार यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है तो काफ़ी ज़्यादा आपको वाइब्रेंट कलर्स भी दिखते हैं। कुछ एंगल्स हैं मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस एंगल से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना एंगल्स भी काफ़ी तगड़े आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स जो हैं। और ओवरऑल जो आपको यहाँ पे कंट्रास्ट है, जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और ब्राइटनेस को अप कर लेता हूँ ताकि आपको जो है सही से कॉन्टेंट दिख जाए, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, नो कैमरा ज़्यादा ही अंधा हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये सारे कुछ आपको क्विक सेटिंग्स मिल जाती हैं, क्विक सेटिंग्स मतलब ऊपर से आती हैं जैसा कि मैं अभी तक देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको DND का ऑप्शन मिल जाएगा, पावर सेविंग मोड है, यहाँ पे जो है ब्राइटनेस का है ये, फिर रेस्ट वेक का ऑप्शन रहता है सेटिंग से, और कॉल मोड ऑन या फिर ऑफ करने का ऑप्शन। बैटरी अभी जो है मेरी अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 80% आई हुई है, ठीक है ना। डिस्प्ले बहुत जल्दी बंद हो जा रही है तो मैं डिस्प्ले में चला जाता हूँ इसकी। यार यहाँ पे ऑटो स्लीप इसको, वाओ इन्होंने मेन्यू भी देखो चेंज कर दिया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेन्यू दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अंदर कुछ फीचर्स की, तो आपको एक्टिविटी डेटा देखने के लिए मिल जाएगा, स्पोर्ट रिकॉर्ड्स, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर भी इसमें दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर भी देखने के मिल जाएगा, फिर स्लीप है, ब्रीथ ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फ़ोन मैसेज, फिर कैलकुलेटर, म्यूज़िक, कैमरा, अलार्म्स, स्टॉपवॉच, टाइमर, वॉइस असिस्टेंट का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, फीमेल, वेदर एंड फाइंड फोन एंड सेटिंग्स, एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको जो है इंफॉर्मेशन का जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ से आप नीचे जाके जो है बोल्ट का जो ऐप है इस वॉच पे जो चलता है बोल्ट फिट ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप क्राउन अगर आप चलाएंगे ना तो ये भी काफ़ी धमाकेदार चीज़ आपको देखने के लिए लग जाती है, ठीक है ना। अगर आप मेन्यू में नेविगेट करना चाहते हैं तो आप क्राउन से कर सकते हैं, या फिर आप जो है होम वॉच फेस पे आते हैं, यहाँ वॉच फेसेस को बदलना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। और बोल्ट ने ना काफ़ी कुछ यहाँ पे कूल वॉच फेसेस दे रखे हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं AOD की, तो AOD में अगर हम चले जाते हैं तो डिस्प्ले में यहाँ पे मेन्यू व्यूज भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ से 3 मेन्यू व्यूज हैं, हनीकॉम, ग्रिड, और मेरे को लिस्ट वाला ही सही लगता है तो लिस्ट वाला लगा के रखूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ फेवरेट्स का भी है, ठीक है। ओह तो यहाँ पे फेवरेट्स का ये रहता है कि राइट टू लेफ्ट साइड जब आप करते हैं ना तो वहाँ पे आप चले जा सकते हैं। फिलहाल तो मैं आया था यहाँ पे AOD देखने के लिए। स्क्रीन क्लॉक में चले जाते हैं और हम एनालॉग को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसा जो है आपका AOD दिखने वाला है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपका वॉच फेस चलता हुआ आता है, और मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ वॉच फेस को, वो दैट्स ग्रेट, दैट वॉज जस्ट ऑसम ट्रांजिशन इफ यू सी इट, लाइक मतलब एक क्लिक से जो है आपका रेगुलर वॉच फेस चलने लगता है। अगर मैं दूसरा क्लिक यहाँ पे करता हूँ ना तो ये सीधे AOD में बदल जाता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी जो है तगड़ा जो है सिस्टम इन्होंने दे रखा है ये AOD वॉच फेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी जो काम नहीं कर रही है, अगर मैं सिंपली इसको वेक करता हूँ और फिर अगर मैं मैसेज वगैरह कहीं भी मेन्यू में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं घड़ी चलने लगी है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ कर रखा है। अगर यहाँ पे हम साइड मेन्यू की बात कर लेते हैं, जो आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं वो क्या मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्टिविटी डेटा मिल जाता है। नीचे जाओगे तो आपको सारा कुछ जो आपने दिन भर में चल रखा है, जो भी कर रखा है यार आपने व्यवस्था पानी, ठीक है, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा एक्टिविटी डेटा में।
यहाँ पे आप फ़ोन को जो है कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको बोल्ट फिट ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन पे। देन यहाँ से आप फ़ोन को टर्न ऑन कर सकते हो, या आपके ब्लूटूथ से पेयर हो जाएगा फ़ोन के। देन आप जो है फ़ोन कॉल्स वगैरह डायल कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। यहाँ पे आ जाता है हार्ट रेट, उसके बाद में SpO2 मतलब ब्लड ऑक्सीजन का आपको फंक्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे ब्लड प्रेशर वाला है, भाई साहब क्या ऑसम चीज़ है, देख रहे हो मतलब उछल उछल के ऊपर नीचे चल रहा था, मतलब अच्छा वाह अलग ही चीज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको स्लीप का डेटा मिल जाता है नीचे जो है, ओके मतलब काफ़ी 1, 2, 3 ओके। तो यहाँ पे आई होप कि इन्होंने ब्रेकआउट कर रखा है स्लीप का, कि आपकी मतलब अवेक थे कब, रैम कब था, लाइट वेट कब थी, रेस्टफुल कब थी स्लीप। तो इस तरीके से इन्होंने स्लीप का ब्रेकआउट कर रखा है। यहाँ पे आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो, और यार यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मिल जाती है कि आप जो है म्यूज़िक की वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर पाओगे। ये मैं यार फुल रिव्यू में मतलब जो है इंक्लूड करूँगा, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारे फीचर्स को कवर करने लगा। और यहाँ पे जो आपको वेदर वगैरह की डिटेल मिल जाएगी, जो कि आपको ऐप से कनेक्ट करने के बाद नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपको कैमरे का कंट्रोल मिल जाता है, जिसके लिए भी आपको ऐप से कनेक्ट ही करना पड़ेगा। बाकी अगर यार हम और सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स मिल जाती है। इसमें ब्राइटनेस हो गया, ऑटो स्लीप हो गया जो मैंने अभी आपका चेंज करके दिखाया था, मेन्यू में आपने आपका चेंज करके दिखाया था, फेवरेट्स का मतलब वही शॉर्टकट जो अभी मैं अभी आपको होम स्क्रीन पे दिखा रहा था, क्विक व्यू का मतलब है यार रिस्ट वेक वाला फीचर, जब आप ऊपर कलाई उठाते हैं तो ये घड़ी जल जानी चाहिए, वो यहाँ पे ऑन हो रखा है, और स्क्रीन क्लॉक का मतलब है AOD। उसके बाद में अगर हम वाइब्रेशन वगैरह की बात करते हैं, तो आप किस मोड में घड़ी को रखना चाहते हैं, वाइब्रेशन मोड, रिंग एंड वाइब्रेशन मोड, या फिर म्यूट करना चाहते हैं, तो घड़ी वाइब्रेट भी नहीं करेगी। और यहाँ पे ना आपकी जो है स्ट्रेंथ भी दे रखी है वाइब्रेशन की, तो आप स्लो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, विच इज़ प्रेटी गुड थिंग। एंड पीछे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर DND मोड मिल जाता है, फिर आपको पावर सेविंग मोड मिल जाता है, फिर फ़ोन कॉल रिसेट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर सिस्टम की कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, मतलब रिस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको। यहाँ पे जो है फिर से जो है बाकी सारी जो है वॉच आर प्रो वर्जन क्या है, मतलब वॉच की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। आ जाते हैं अगर होम पे, और इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो आई होप कि स्टैंडर्ड बोल्ट का यहाँ पे UI फॉलो हुआ होगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको रिबूट, पावर ऑफ, रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, कभी आपकी घड़ी अगर हैंग वगैरह हो जाए तो आप इसको दबा के काम कर सकते हैं। नीचे वाला बटन जो है वो एज ए स्पोर्ट्स मोड भी काम करता है, तो आप स्पोर्ट्स ऐसे खोल सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो है फिर भागने दौड़ने लग सकते हैं इसको यहाँ पे शुरू करके। बाकी आप दोबारा इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ओके करिए, या फिर यहाँ पे फिर से दबाइए। और अब तो आप क्या कर लेते हैं, सबसे पहले HR वगैरह मैं टेस्ट कर लेता हूँ, और कंपेयर करूँगा अपनी गैलेक्सी वॉच के साथ में। मैंने जो है अपनी गैलेक्सी वॉच 4 पे यहाँ पे पहन रखी है, और यहाँ पे पहन रखी है आपकी बोल्ट की स्ट्राइकर प्रो। अभी अगर हम यार SpO2 का एक बार कंपैरिजन करते हैं, और एक बार चेक करते हैं कि कैसी एक्यूरेसी मिल जाएगी। हालांकि वॉच जो है कल थर्सडे को 27 तारीख को लॉन्च होने वाली है, ठीक है, इंडिया में, और आज मैं जो है इसकी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट क्या ही जाता है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं टेस्ट करके कि कैसा जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैंने इसको क्लिक कर दिया है, यहाँ मेज़र कर लेते हैं आपके सैमसंग वॉच पे। सैमसंग वॉच में ना काफ़ी यार कठिनाई से जो है SpO2 वगैरह रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो है यार सैमसंग की वॉच ने मेरे को जो है 96% SpO2 बताया है, वहाँ पर जो है आपकी बोल्ट की वॉच जो है 97% यहाँ पे SpO2 मतलब ब्लड ऑक्सीजन का लेवल बता रही है, तो दे आर मतलब काफ़ी कुछ क्लोज हैं एंड प्रेटी एक्यूरेट भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि सैमसंग की वॉच तो मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट से देती है। और क्योंकि ये यार वॉच जो है आपके जिस भी प्राइस सेगमेंट में आने वाली है, आई डोंट नो अभी कितने की लॉन्च होने वाली है, बट अंडर 3,000 के अंदर ये है, अगर यार 2,500 से 3,000 के अंदर में, तो यार काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट्स इस पे भी देखने को मिलेंगे। अभी आपको जो है यहाँ स्ट्राइकर प्रो पे 358 कुछ स्टेप दिख जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 20 से 30 जो है स्टेप्स लूँगा, ठीक है ना, बाहर पे, फिर हम देखते हैं इस पे जो है कितना चेंज आता है, और कितना जो है एक्यूरेट आपको स्टेप्स यहाँ पे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सो अभी जो है 30 स्टेप्स हो गए हैं, और यहाँ पे जो है 87 आ गया है, ठीक है ना, 58 से 87 आ गया है, तो ठीक है, मतलब प्रिटी एक्यूरेट है। एक स्टेप यहाँ पे कम इसने दिखाया, बट सेंसर जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ एक्यूरेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं स्ट्राइकर प्रो। सर अभी ये आ गई है मेरे पास स्ट्राइकर प्रो, और नीचे आपको जो है कॉन्क्रीट की फर्श दिख रही होगी, ठीक है,
तो अभी मैं क्या करने वाला, अभी एक मीटर की ऊंचाई पे है जहाँ से मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसकी स्क्रीन वगैरह बचती है या नहीं बचती है, बाद में चलेगी या नहीं। वन टाइम, सेकेंड टाइम, दूसरे साइड से इसको एक बार गिरा के देखते हैं, ठीक है। और फिर इसको जो है तीसरे साइड से एक बार गिरा के देखते हैं। ये तो स्क्रीन के बल गिर गई, ठीक है। अभी क्या करते हैं फिर से, मतलब इस साइड से मैं गिरा के देखता हूँ, ठीक है। ओके, और अब फाइनली भाई साहब, अब थोड़ा जो है जान अटक रही है, स्क्रीन बचेगी या नहीं बचेगी, आई डोंट नो। भाई साहब चिपक गए जाके तो घड़ी को उठा के देख लेते हैं, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, घड़ी जो है बराबर जो है आपका वर्क कर रही है, कोई भी इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं आया है, ठीक है। काफ़ी मक्खन की तरह स्मूथ जो है यहाँ पे चल रही है घड़ी, ठीक है ना। इसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह डेंट वगैरह आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। मैं इधर भी दिखा देता हूँ चारों तरफ से आपको, तो काफ़ी कुछ जो है ये विदस्टैंड कर जा रही है, और इसका काफ़ी मतलब भार भी है हल्का सा, ठीक है ना। हालांकि हल्की है, बट यार मेटालिक होने की वजह से डायल का भी भार है और स्ट्रैप का भी भार है, बट यहाँ पे कोई भी क्रैक स्क्रीन में नहीं आया है। टच जो है आपका फुल्ली फंक्शनल है यहाँ पे, और जो आपकी घड़ी है, क्राउन है, बटन है, ठीक है ना, वो सारे कुछ काम कर रहे हैं, और कोई भी डिस्प्ले में टूटा फूटा या फिर कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर यार आप इसको पहन रहे हैं और ये आपसे गलती से मतलब हाथ से छूट के गिर भी जाती है ना कहीं फर्श वगैरह पे, तो ये टूटने वाली नहीं है और ये यहाँ पे पास हो जाती है आपके ड्रॉप टेस्ट में, जो कि एक मीटर से किया गया है। यार यहाँ पे मैंने कंटेनर में पानी भर दिया है, और इसमें जो है हम वाटरप्रूफिंग टेस्ट करने वाले हैं अपनी इस वॉच की। तो इसमें जो है आपको IP67 रेटिंग यहाँ पे दिख जाती है, जैसा कि मैंने आपको बॉक्स पे दिखाया था यहाँ पे लिखी हुई। इसका मतलब है कि आप जो है 1 मीटर की डेप्थ में जो है 30 मिनट तक वॉच को रख सकते हैं। तो यार मेरे पास 1 मीटर की डेप्थ तो नहीं है, बट हाँ मैं इसको क्या करूँगा, 30 मिनट्स तक जो है यहाँ पर रखने वाला हूँ इस टैंक के अंदर में, और फिर हम 30 मिनट्स के बाद में जो है इसको ड्राई करके देखेंगे कि ये वॉच चल रही है या नहीं चल रही है। और हाँ, अगर आप इसे ऐप से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ऐप पे अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि इस वॉच को ऐप के साथ में कैसे जो है पेयर वगैरह करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, तो उसकी मैं एक जो है सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अभी हम देख लेते हैं टाइम, तो इस घड़ी के हिसाब से जो है 8:03 हो रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है दूसरे अपने फ़ोन में मैंने 30 मिनट्स का यहाँ पर टाइमर सेट कर दिया है, तो इसको मैं डालते ही यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, और हम फिर 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे लौट के आएंगे और फिर देखेंगे कैसा क्या रहा। और ये जो वीडियो है आपको मैं जो है फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप 30 मिनट तक बैठे रहेंगे इस वीडियो की लेंथ को देखने के लिए, ठीक है। तो फटाक से इस घड़ी को डाल देते हैं और यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है टाइम स्टार्ट हो गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको घड़ी जो है पड़ी हुई इसमें दिख जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलार्म जो है बज चुका है। तभी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं वॉच को। तो काफी भीगी भागी हुई है, तो क्या करते हैं भाई साहब, इसको थोड़ा टिश्यू में लपेट देते हैं, ठीक है, ताकि स्क्रीन वगैरह पे पानी ना लगा रह जाए और चलाने में थोड़ा मेरे को दिक्कत ना हो, वरना जो है आप जान ही सकते हैं कि अगर स्क्रीन वगैरह पे पानी लग जाता है तो स्क्रीन रिस्पॉन्ड नहीं करती है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, फिर वॉच हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हो सकता है यार स्पीकर वगैरह में थोड़ा पानी अंदर गया हो, ठीक है, तो वो तो बाद में निकल जाएगा, ठीक है ना, ठोक पीट के आप निकाल ही लोगे। हालांकि इसका स्पीकर जो है यहाँ ऊपर की साइड में रहता है, तो आपको कुछ इस तरीके से जो है ठोकना पीटना पड़ेगा ताकि जो है इसके स्पीकर का पानी बाहर निकल जाए। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सीडेंटली मेरे से टच हो गया, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड चालू हो गया है, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्राउन वगैरह है विच इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, क्राउन अच्छे से वर्क कर रहा है। मेन्यू में चले जाते हैं तो मेन्यू भी आराम से वर्क कर रहा है, और अगर हम कोई कैलकुलेटर खोल लेते हैं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 30-0.1 = 29.9, ठीक है, ऐसा कुछ करके आ जाता है, ठीक है,
तो अभी आप देख सकते हैं कि वॉच जो है आपकी तगड़े से काम कर रही है, सारे फीचर्स फंक्शंस सब कुछ ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आपको देखने के लिए मिल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये जो है वॉच 30 मिनट का आपका जो है वाटर टेस्ट अभी पास कर चुकी है। तो अगर आप रेनी कंडीशन में कहीं बाहर जा रहे हैं वॉच को पहने हुए हैं, तो इस वॉच पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है रेन का। अगर आप इसको भूल भी गए हैं ना जेब वगैरह में रख के, बाई चांस वैसे तो लोग भूलते नहीं हैं, बट अगर आपने धो भी दिया है बाल्टी वगैरह में डाल के छोड़ दिया है 30 मिनट तक, तो आई होप कि जो है आपकी घड़ी ख़राब नहीं होगी। हालांकि यहाँ कोरोजन के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि यार मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मेटल का स्ट्रैप है इसमें कोरोजन वगैरह लग सकता है अगर इसमें पानी रुक गया तो। तो ये थे कुछ वाटर टेस्टिंग, और इसमें जो आपकी वॉच है बोल्ट स्ट्राइकर प्रो वो फुल्ली तरीके से पास हो जाती है। तो फाइनली बात कर लेते हैं कि किसके लिए घड़ी बनी है, किसको खरीदनी चाहिए। बट उसके पहले अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जैसे कि कोई भी आपसे फ्यूचर अपडेट्स जो है मिस ना होने पाए, ठीक है। अभी जो है मैं आता हूँ वापस इस घड़ी पे, स्ट्राइकर प्रो पे। तो किसको ये घड़ी खरीदनी चाहिए, अगर आप एक मेटालिक वॉच ढूंढ रहे हैं जिसमें कि कुछ इस तरीके से जो है लुक्स वाली है, आपको वॉच मिल जाए जो कि एमोलेड वॉच हो, आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी देखने को मिले, कुछ यूटिलिटी टूल्स जैसे हो गए कैलकुलेटर टाइप की चीज़ें भी देखने को मिल जाएँ, प्लस आपका एक्टिविटी डेटा हो गया या फिर वर्कआउट मोड्स हो गए या फिर आपके हेल्थ वाइटल्स जैसे HRSPO2 वगैरह हो गया, वो भी नियरली एक्यूरेट रीडिंग्स उसकी ले पाए, आपको दिखा पाए, तो ये वॉच आपके लिए हो सकती है। और यार अगर आप जो है चैन वाली घड़ियां नहीं पहनना चाहते हैं तो भी आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि यार आप इसको आराम से यहाँ पे हुक्स दिए रहते हैं, ठीक है ना, इससे निकाल के जो है आप अपना जो है स्ट्रैप को अलग कर सकते हैं, और दूसरे नायलॉन वाले या फिर जो आपके दूसरे काइंड के स्ट्रैप आते हैं जिनको सिलिकन स्ट्रैप बोलते हैं, रबर वाले स्ट्रैप, वो भी आप यहाँ पर डाल के जो है उससे इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं। तो और यहाँ पे आपको एक वर्सेटाइल वॉच जो है देखने के लिए मिल जाती है बोल्ट की तरफ से, जो है स्ट्राइकर प्रो, जिसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है 750 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में और 466x466 के रेजोल्यूशन के साथ में। तो कॉलिंग वगैरह वाली वॉच है, अगर आप देख रहे हैं ऐसी काइंड की वॉच तो आप फटाक से इसको बाई कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और सेल जब भी शुरू होगी, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, 12 बजे 1 बजे जब भी शुरू हो तो आपको लिंक से ऑफ़र मिल जाएगा और डायरेक्टली आप इस प्रोडक्ट तक जा सकते हैं। तो अगर आपको इस वॉच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आपको इस वॉच का कौन सा फीचर अच्छा लगा, मेरे को तो यार कैलकुलेटर वाला फीचर काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें जो यार ये मतलब चलते हुए वॉच फेस है ना, ये तो यार मतलब कमाल के मेरे को लगे। और जो AOD वाला वॉच फेस था, जो वॉइस ऑफ चेंज हुआ था, ये वाला दैट लुक्स प्रीटी ऑसम टू मी, ठीक है। आपका कुछ अपना मत हो सकता है, तो वो मेरे को कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर इसका सबसे अच्छा लगा। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं कर लिया तो अब कर लो यार, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और मैं आऊँगा यार एक नई वीडियो में कुछ नया टेक मसाला लेके, कुछ नए गैजेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।